Hi everyone, welcome to my channel Shobhita's Vlogs Fun and Education. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना, भूलना मत बिल्कुल भी। आज बात करेंगे कुछ खाने की। आज आपको दिखाती हूँ मेरे किचन गार्डन में जो मैंने मेथी लगाई थी वो कैसे मतलब कितनी ग्रो करी है। आज उसको तोड़ के उसकी सब्जी बनानी है मुझे, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना वो ग्रो करा। एक बार मैं उसको तोड़ चुकी हूँ तो अब दोबारा आज करूँगी और उसको गाजर और आलू के साथ मिक्स करके बनाऊँगी। जब सब्जी बन जाएगी तब आपको उसको वो भी दिखाऊँगी। और आज ये दिखाती हूँ कि कैसे कितनी है। और आपको वो दिखाया था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब हमने उसके बीज डाले थे तो वो कितनी ग्रो कर गई है और बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार मैं उसको बना चुकी हूँ, उसका एक अलग था, बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथी है वो। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये है वो मेथी जो इतनी ग्रो कर गई है। एक बार ये तोड़ चुकी हूँ और अब बिना ये इसके पत्ते पत्ते तोड़ रही है। इसकी डंडी वो नहीं बनती है ठीक से, बारीक होती है पर वो ज़्यादा उसमें टेस्ट नहीं आता। खाली पत्तों में अगर बनाएंगे तो उसका टेस्ट आता होगा। उसके साथ वो पालक है, जब उसकी बनाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। ये है मेथी, इतने छोटे छोटे गमलों में भी कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई है ये। बिना ये गाजर काट रही है, गाजर बिल्कुल बारीक बारीक कटवाती हूँ मैं इसमें, क्योंकि जितनी बारीक गाजर हो उतनी ही टेस्टी सब्जी बनती है। और आलू भी बिल्कुल इसमें छोटे छोटे काटूंगी मैं और उसको मिक्स करके बनाऊंगी। और इसको मैं देसी घी में बनाऊंगी, ठीक है ना बीना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ देसी घी में, ठीक है ना? हाँ जी, देसी घी में। देसी घी में अच्छी लगेगी बनी हुई, है ना ये सब्जी? चलिए जब बन जाएगी सब्जी तब आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये है मेरा गाजर आलू और मेथी का कॉम्बो। गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई है और आलू भी बिल्कुल छोटे छोटे काटे हैं और मेथी के सिर्फ पत्ते हैं। बन गई है मेरी सब्जी, मेथी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है और इसका एक अलग सा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू है मेथी की। देखने में भी सब्ज़ी बड़ी अच्छी परफेक्ट बनी है। कैसी लग रही है आप लोगों को? आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर वीडियो को शेयर करने का दिल करे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।